लेकर के, और जो ये अभी आप नाटक कर रहे हैं, किस तरह का संदेश देता है, और आने वाले समय में आने जो कलाकार हैं आपके पीछे के, उनको किस तरह का संदेश देना है? देखिए, ये इस नाटक की बात कर रहे हैं जो करना आज शाम को है जी। इस नाटक में अकेलेपन की समस्या को लेकर है ये नाटक, बहुत शाश्वत समस्या है। 50 के बाद या 60 के बाद उम्र जब हो जाती है और किसी भी कारण से आप परिवार में अकेले रह जाते हैं, अलग कारणों, अलग अलग कारणों से, दो कैरेक्टर्स हैं, दोनों अपने अलग अलग कारणों से अपने परिवार से कट चुके हैं, अकेले हैं। अकेले की जो समस्या होती है उसी समस्या पर इसको भी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे चिड़ियाघर, वो कॉमेडी के रूप में थोड़ा सा ऊपर से कॉमेडी दिखती है, उसके पीछे का जो संदेश है या वो है कि वो एक ओल्ड एज और अकेलेपन को डील कर रहा है। तो ये नाटक उसी तरह से है, दो लोग अपने अपने कारणों से, एक डॉक्टर है जो काम करता है अस्पताल में, एक लेडी है जो मरीज बन के वहाँ पर आती है, उनकी उस तरह से मरीज नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन मेंटली बहुत अकेली है, तो उनको बताया जाता है कि ये एक हेल्थ सेंटर है जहाँ पर इस तरह के आप हो तो सकता है ऐसे लोग या ऐसे डॉक्टर मिले जहाँ आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे के साथ, एक डॉक्टर और मरीज के तौर पर, फिर धीरे धीरे कैसे उन दोनों में पहले तनाव रहता है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। सरकार की जो पहले से पहले कलाकारों के लिए या फिर रंगमंच कर्मियों के लिए इस तरह की चीजें नहीं थी, ना इस तरह की सुविधा थी। पता नहीं मुझे किसकी बात कर रहे हैं आप, किस सुविधा की, मैं ज्यादा जानकारी रखता नहीं सरकार क्या क्या कर रही है, और मेरा जनरल नॉलेज वैसे भी, मैं अपने काम में इतना मेंटली डूबा रहता हूँ और अपनी अपने आप में ही कि मैं ज्यादा ध्यान इन चीजों के। मुझे कलाकारों को किस तरह का संदेश देंगे जो आज कलाकार आप लोग को देख करके प्रेरणा लेता है, या उनको किस तरह का संदेश देंगे, क्या उनको करना चाहिए, आपके लाइफ में किस तरह की मुश्किलें आई जो वो उसको करेंगे? मुश्किलें तो जीवन में आती ही है, सवाल ये है कि आपकी अपनी लगन कितनी है, आपका पक्का इरादा कितना है, और आप किस हद तक कुछ पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कला की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल लगाए, 10 साल लगाए, 3 साल लगाए, ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर लिया, PhD कर लिया, DSC कर लिया, DLit कर लिया, और आप वहां पहुंच गए, इतनी आपको तनख्वाह मिली जाएगी। ये तो जीवन भर की पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपकी स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल के अंदर आपकी नेचर, आपकी टैलेंट, आपकी मेहनत, आपका भाग्य, सारी चीजें बहुत मिली जुली हैं। सबका अपना अपना योगदान है। सामाजिक काम है, सामाजिक इन द सेंस के ये इंडिविजुअल काम नहीं है, बहुत सारे आर्ट्स होते हैं, लिटरेचर है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, वो अकेले आदमी करता है, ये सब लोगों के साथ मिलकर करता है, ये कम्युनिटी वो है वर्क। तो इसके अंदर कम्युनिटी में आपका बिहेवियर, वो सारी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन कब आप कहाँ पहुंचेंगे आपके आपके हाथ में कुछ नहीं। आप अपना काम बेहतर से बेहतर करिए, अपने काम को जज कीजिए, एक तीसरी आंख से देखती भी रहिए कि अगर मैं जनता काम कर रहा हूँ तो एक्चुअली वो कैसा है, लोग सिर्फ हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्या उससे मैं संतुष्ट हूँ, या मेरा एक तीसरा हिस्सा ये भी कह रहा है कि नहीं बात बन नहीं रही और बेहतर हो सकती है। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि रचनात्मक काम ऐसा होता है जिसकी जिसको बेहतर करने की कोई लिमिट नहीं है, स्काई आकाश उसकी लिमिट है। दुनिया का हर आदमी अगर उसकी खोज है वो बेस्ट से बेस्ट एक्टर को भी मात करके और आगे जा सकता है, क्योंकि रचनात्मक काम है। तो बस ये आपके ऊपर है, व्यक्तिगत रूप से आप क्या चाहते हैं और कहां तक जा सकते हैं, कितनी दूर आप साथ दे सकते हैं अपने सपनों का, अपने इरादों का। देखिए थिएटर, मैंने पहले भी कहा था कि, और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक एक्टर को, जरूरी नहीं कि एक्ट्रेस ही, हम एक्ट्रेस को भी जो
भूमिका करने को मिलती है, और मैंने एज एन एक्ट्रेस जो थिएटर में रोल्स किए हैं उसका अंश मात्र भी मैंने फिल्मों में या टेलीविजन में नहीं किया है। थिएटर में जब करती थी दिल्ली में तो मैंने ऐसे ऐसे किरदार किए, मित्रों मरजानी किया है, कृष्णा सूक्ति का उपन्यास, आजर का ख्वाब, शेक्सपियर के नाटक करे हैं, और वैसे भी जब मैं एनएसी से बाहर आई मैं फिल्म और टीवी भी कर रही हूँ। जो रोल मैंने मंच पर करे हैं, संतति किया है और मनु भंडारी की कहानियाँ करी हैं, और अब ये जो नाटक कर रही हूँ जीना इसी का नाम है, इसमें जो मैंने जो मुझे टैलेंट दिखाने का मौका मिला है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मुझे थिएटर करने में मिला है वो फिल्म में, देखिए फिल्म पैसे और नाम के लिए बहुत अच्छा है, पैसा मिलता है डेफिनेटली थिएटर से ज़्यादा, नाम भी मिलता है। लोग आज भी थिएटर जिंदगी के जैसे हैं, जिसने मित्रों मरजानी मेरा नाटक देखा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, कुछ लोग याद करते हैं अभी भी, और उन्हीं लोगों के लिए वो लोग याद करते हैं जिनके लिए जीवन की तरह है, जो आप जिनके सामने आप नाटक कर रहे हैं। लेकिन सिनेमा आपको इमोर्टल बना देता है कि आप देखिए कि जॉनी वॉकर, उनकी तो डेथ हो चुकी है लेकिन उनकी फिल्में आपको आज भी याद होगी, बूट पॉलिश, चंपी, और कोई बड़े कलाकार की बात तो नहीं मैं कर रही हूँ, गुरुदत्त कह लीजिए, यूसुफ भाई कह लीजिए, और शाहरुख खान, और ये लोग तो बहुत बड़े स्टार्स हैं, लेकिन हमको जरूर नाम और पैसा, नाम पैसा इज्जत भी मिलती है, लेकिन थिएटर में जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है तो फर्स्ट चॉइस हमारी रंगमंच ही है, मेरी तो है ही, और मुझे लगता है रंगमंच का कोई भी आर्टिस्ट उसकी फर्स्ट चॉइस, हाँ रोजी कमाने, क्योंकि हमको भी तो अपना पेट पालना है, मकान का किराया देना है, मकान बच्चों की फीस देनी है, तो उसके लिए हम जरूर थिएटर से बाहर जाते हैं।